अरे सही कह रही थी फर्राह, बिल्कुल सही कह रही थी। इसके हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं। राज की आंखों से इसकी मोहब्बत की पट्टी उतर जाए ना तो इसका भी पत्ता साफ करूं। देख लूंगी तुझे रामीन, देख लूंगी। फर्राह, पल भर में तो मेरी जान ही निकल गई थी जब बॉस ने कहा जाओ। आपको पता है सबसे पहले ख्याल मुझे अब्बू का आया। इतनी मुश्किलों से उन्होंने मुझे इस जॉब के लिए परमिशन दी थी। अगर उन्हें पता चलता कि मैं जॉब से इससे निकाली गई हूँ तो वो तो मुझे हमेशा के लिए घर में ही बिठा देते। अब मेरा बेटा ऐसा भी हिटलर नहीं है। अरे पूरी दुनिया की सोच समझ रखता है वो। दादी दादी, मैंने कब कहा कि उन्हें कुछ पता नहीं। मैं तो इतना कह रही हूँ कि अब्बू हमेशा कहते हैं जो रिस्क बेइज्जती से हासिल हो उससे खाली पेट ही बेहतर है। देखो बेटे, जो तुम्हारे बॉस ने की वो तुम्हारी बेइज्जती हरगिज नहीं थी, वो तुम्हारी गलती थी। और मुझे तुम्हारी बातों से तुम्हारे बॉस काफी समझदार लग रहे हैं। तुम देखो ना, तुम्हारी गलतियों का उन्होंने तुम्हें एहसास जरूर दिलाया मगर तुम्हें सजा नहीं दी। ये उनका बड़ापन है ना। हाँ, अच्छी तो है मगर आपकी बेटी भी कोई नाअहल नहीं। और वैसे भी उन्होंने जो अपनी दुबई की ब्रांच यहाँ खोली है तो उसे इस्टेब्लिश करने के लिए मुझ जैसे काबिल एम्प्लॉय को वो जरा सी बात पर निकाल थोड़ी सकते हैं, है ना दादी। असल बात तो आप बताइए इसने। अरे मैं तो कहती हूँ अहमद के लिए भी कोई रास्ता तलाश करो, हो सकता है उसकी भी दाल गल जाए। तुम्हारी दादी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नई कंपनी खुली है, काफी जॉब्स निकल रही होंगी। बेटा तुम अहमद के लिए बात करना, क्या पता कोई राह बन जाए उसकी। अम्मी वो तो ठीक है मगर पहले भाई को ना ग्रेजुएशन करने दे, तब तक शायद मेरी पोस्ट भी बेहतर हो जाए। क्यों? इंशाल्लाह। चले आप लोग खाना खाएं। मुश्किल है जी।